अरे क्या हुआ मलाई जी कहा आप बुलाए हमको अरे बता रहे हैं जी तुमको क्यों बुलाए रुको एक मिनट पहले इन लोग से बात करने दो एक औरे बाचे, <laughs> और बात है टिक्का मंगाओ चेस चो <laughs> ढेरी बच्चा चोरे चेक ढाब 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 ढुके बाबा ढुके बाबा पोस्टा पोस्टा एक हो मालिक एक हो मालिक <laughs> उइसी उइसी होय होय भाषी भाषी इस अलग क्या बकेती मार रहा है क्या बोल ढोकी बस्सा ढोकी बच्चा ये तो सड़क गधा का बच्चा सब लग रहा है कौन सा भाषा में बात कर रहा है हमको यहाँ बुलाकर और हमें लिए लग रहा है कुछ बोल रहा है पता नहीं सड़क गाली वाली तो नहीं दे रहा है पता भी नहीं चल रहा है ऐसे ऐसे ढेरी पैसा ढेरी पैसा इखो नही लुखी लुखी लुखा हुई 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 बोल सही बात ठक ठक ये सड़क क्या पक, पक कर रहा है पता नहीं चल रहा है और हमको उल्लू की तरह खड़ा कर दिया है क्या बोल रहा है इसको और ये क्या बोल रही है समझे में नहीं आ रहा साला अरे मलाई जी आप बता रहे हैं कि नहीं का बुलाए यहाँ पर ये क्या बकबक बक कर रहे हैं आप लोग खट्टा पट्टा मट्टा अरे हम लोग ये सब नहीं बोल रहे खट्टा पट्टा मट्टा पर कुछ बात हो रहा है। जरूरी बात हो हो रहा रहा है है जरूरी तुम इस लड़की को देख रहे हो अरे यहाँ तभी ऐसे देखिए तो रहे और यही नहीं समझ में आ रहा है हम देख कह रहे हैं क्या मिल रहा है इसको देखने से हमको अरे अभी पता चल जाएगा क्या मिलेगा देखने से देखो अभी ये लड़की चल कर जा रही है ध्यान से देखना अरे हम इसको कह अरे तो। ना चुपचाप देखो चल कर जा रही है देखो और आप हमको यही सब दिखाने के लिए बुलाए क्या यहाँ पर अरे चुपचाप देखो ना भाई क्या कर रही है पहले तुम देखे इसको चलते हुए आप देखे डांस करते हुए समझ में आया कुछ अरे यही समझ में आया आप पागल बंदी कर रहे हैं यहाँ पर पागल की तरह बग उसको देखो वो डांस कर देखो हम यहाँ पर यही सब देखने हैं क्या क्या हमारा फूफा जी पागल पागल है है आदमी सब सब उससे बड़ा खोपड़ी अरे बोला रे वो तुम्हारा फूफा है यानी कि तुम उसका नौकर नहीं है तुम भी मालिक है तब तो बहुत बढ़िया है अब ये मामला तो फिट होकर रहेगा अरे कौन सा मामला फिट होकर रहेगा अरे वो सब तुमको बाद में पता चल जाएगा पहले जाओ वो लड़की जहाँ गई है वहाँ जाओ उसके पीछे पीछे जाओ अरे हम उसके पीछे कह जाएंगे हमको क्या काम है ऐसे भी वो लड़के हमको पसंद नहीं है हम उसके पीछे नहीं जाएंगे काला कद्दू हमेशा उसके पीछे जाता है जो उसको पसंद आता है जो पसंद नहीं है उसके पीछे काला कद्दू कभी नहीं जाता है अरे यहाँ पर तुमको पसंद करने के लिए नहीं बोला जा रहा है कोई जरूरी काम है उस लड़की को वहाँ से कोई सामान लाना है भारी सामान है इसीलिए तुमको भेज रहे साथ में जाओ लेकर आओ अरे तो तुम कहीं नहीं जा रहे तुमको हम नौकर दिखाई दे रहे हैं क्या अभी बताए ना वो मेरा फूफा जी है अरे यहाँ नौकर और मालिक का बात नहीं हो रहा है तुमको दिखाई नहीं दे रहा है मेरे हाथ में चोट लगा हुआ है इतना भारी सामान कैसे उठाएंगे इसलिए तुमको भेज रहे हैं अरे तो अपना बचवा को बुलाओ ना वो तो अट्टा कट्टा है उसको बोलो अरे पागल है क्या रे तुम तुमको दिखाई नहीं दे रहा है वो मालिक के साथ बैठा है उनसे बात कर रहा है उसको बीच में उठाए और ऐसे भी उसको भी बड़ा सदमा लगा हुआ है पत्नी छोड़कर भाग गया है इसीलिए तुम जाओ आजीब पागल सब है तुम लोग ठीक है चलो जा रहे हैं और लड़की कहाँ जाती जा रही है किधर जा रही है अरे मालिक मालिक आपका जो नौकर था ना वो बहुत बेसरम है और बहुत घटिया है वो मेरी साले की बेटी को छेड़ रहा है कमरा बंद करके चलिए जल्दी चलिए नहीं तो कोई हो जाएगा। अरे लड़की दरवाजा खोलो जाने तुमको पागल लड़की मेरा टी शर्ट खोल दिए चुम्मा दे रही अपना गंदा गंदा मुँह ए लड़का दरवाजा नहीं खुलेगा दो चुम्मा देगा तभी दरवाजा खुलेगा अरे खोलो बोल रहे

अरे फूफा जी दरवाजा तोड़ दिए अच्छा वो फूफा जी आप आ गए ये लड़की आज हमको बर्बाद कर देती धन्यवाद आपका आप आ गए अरे <laughs> वो तो आना ही था और साले तुम लड़की पे क्या आरोप लगाता है, सब तुम किया हुआ है अगर तुमको ये ईद नहीं पसंद आ गई थी तो तुम हमको कह सकते थे छेड़ने का क्या जरूरत था तुम इसको छेड़ोगे तुम हमसे कहते ना हम मलाई से बात करते फिर तुम दोनों का ब्याह करवा देते अरे मालिक आप तो शादी करवाना ही पड़ेगा कहा की आप देख सकते हैं ये सरे हम लड़की के कमरे में घुस गया था समाज वाला क्या कहेगा अब तो शादी करवाना ही पड़ेगा अरे करवाएंगे करवाएंगे इसको भी लड़की जब पसंद है तो हमको भी ऐतराज़ नहीं है तो कहीं नहीं करवाएंगे खाली लड़की से पूछ लेते हैं उसको पसंद है कि नहीं अरे मालिक आपको तो पता है ना हम लोग के गांव में लड़की पसंद नहीं करती है उसका माँ बाप पसंद करता है और अब चाहे पसंद करें या ना करें मजबूरी में शादी तो इसी से कराना पड़ेगा अब इसी से कराइए शादी जल्दी अरे पसंद कैसे नहीं है देखो न कैसे शर्मा रही है अरे अरे हंसने लग गई मतलब ये भी, भी फिदा हो गई है काला कद्दू पे बढ़िया है अब तो ब्याह हाँ होगा शहना बजेगा तैयारी की जा हमको फसा दिया इसीलिए हमको भी जिंदा है और उससे बड़ा बात है कि हम भी अभी जिंदा हैं। तो जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक आप कैसे सकते हैं। हमको और शादी बाबू जी का रोटी खाते हम अपना बाप का रोटी खाते हैं और अगर वो नहीं तो चोरी करके खाते हैं लेकिन कभी किसी का नहीं लेते हम और हमारा जिंदगी में क्या होगा हम तय करेंगे आप नहीं समझ लीजिए और आपको बता देते हम शादी नहीं करेंगे बता दिया आपको अरे चुप कर बदतमीज तमी जब बिहारी नहीं रचाना था तो लड़की का कमरा में कहा गया था तुम हाँ अब ड्रामा कर रहा है तुम्हारा ड्रामा नहीं चलेगा ये तो शुक्र है तुम्हारा शादी हो रहा है नहीं तो इतना ही बात में तुमको नंगा करके तुम्हारा जुलूस निकाला जाएगा निकालेगा गधा पे बैठ के मुंह पे काली पोत के अपना जुलूस पागल साले नाम खराब करेगा हमारा हम भी देखते तुम शादी कैसे नहीं करता है शादी की तैयारी की जाए लड़का आ जाएगा अरे तो मालिक जी मुंह मीठा कर ले और सगुन वगैरह दे दे आपको अरे सगुन में दो किलो रसगुल्ला मंगवाओ बाकी लड़की को एक जोड़ा में भेज देना इसका बाप के पास बहुत पैसा है अरे वो तो हमको पहले ही से पता है तभी तो इतना बड़ा प्लान बनाए है अब राज करेगी बचिया इसलो के घर में जाकर और धीरे धीरे सारा माल इधर आएगा फिर हम लोग का खानदान भी इस चड्डी से बाहर आएगा और पैंट शर्ट पहनेगा अरे बन कीजिए सा। कोई शादी नहीं होगा बता दिया हम बर्बाद कर देंगे सबको हम तो ज्यादा मुंह चला है ना तुम तो सबको बोल देंगे फिर इतना मुक्का लगेगा ना तुम्हारा शरीर का तोड़ फाड़ हो जाएगा चौब से चलो घर अरे कद्दू तुम्हारा लड़का को आज गांव लेके गए थे पता है तुमको तुम्हारा लड़का वहाँ क्या कांड किया हमारा जमीन पे रहने वाला नौकर का बचिया को छेद रहा था ये तो अच्छा था कि वहाँ पे हम मौजूद थे नहीं तो वो लोग तो एकदम गुस्सा में आ गया था उसको तो, तो, तो मार ही देता कहा कि गांव में सब नहीं चलता है वो तो हम समझा बुझा के उस लोग को मना लिए बाद में वो लोग राजी हो गया कहा दोनों का ब्याह करवा देते हैं उसको का इज्जत का बात हो गया ऊपर से लड़की भी फिदा हो गई काला कद्दू पे और उसका परिवार वाला लोग को भी काला कद्दू पसंद था इसीलिए और काला कद्दू को तो पसंद थी ना लड़की इसीलिए हम उस लोग से शादी का बात कर ली है लेकिन तुम्हारा पागल बेटा कहने के समय तो दौड़ के गया जब शादी का बात हुआ तो बोलता हम शादी नहीं करेंगे इसको समझा दो शादी करना पड़ेगा अब इसको फोन स्पीकर ही पे है बोलो अरे क्या सुन रहे पागल तुमको वहाँ यही सब करने के लिए भेजे थे बोला हम वहाँ घूमने जाएंगे तुम दूसरा शहर में भी जाके यही सब करने लग गया और कहता था यहाँ पे हम सपना से प्यार करते हैं उससे शादी करेंगे हा? आप जैसा फूफा जी कह रहे हैं वैसा करो नहीं तो मामला बिगड़ जाएगा पुलिस थाना तक बात पहुँचा तो फिर हम भी नहीं छुड़ा पाएंगे तुमको अभी मंगनी कर लो थोड़ा बड़ा होगा तो शादी भी करवा देंगे चलो अब तुम्हारा बाबू जी का भी राजा हो गया तो तुमको शादी करना ही पड़ेगा सुनो ना कद्दू दो लाख रूपया लेके आ जाना तुम और गोरा कद्दू बिहार में खर्चा होगा ना अरे बिहार तो बाद में न करवाएंगे जीजा जी अभी तो मंगनी होगा ना पचास हजार लेके आएंगे चलो ठीक है लेके आना अरे यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है और बाबू जी आप भी फूफा जी के कहने पर आ गए वो लड़की को हम छेड़ नहीं रहते वो जो मलाई है वो हमको बोला उसके पीछे जाओ से वो कोई सामान उठाएगी जैसे हम गए अंदर दरवाजा बंद कर ली अरे वो सब नहीं जानते हैं है। गाँव में तुम सिचुएशन बताएगा वो लोग सिचुएशन नहीं समझता है तुम्हारा चेहरा का सिचुएशन बिगाड़ देगा ज्यादा बकवास किए तो और ऐसे भी ये सब तुम्हारा हरकत है ही हमको मत बताओ और जीजा जी ये तो फालतू बकवास करते ही रहेगा इसका आदत है आप तैयारी कीजिए अरे पापा हम कुछ कर देंगे बोल रहे हम अरे अब इससे बड़ा कांड क्या करोगे तुम इतना बड़ा तो कांड कर दिए उसके बाद भी हम लोग प्यार से तुम्हारा शादी करवा रहे तो फुटा नहीं दिखा रहे हो एक काम कीजिए जीजा जी ज्यादा बोले तो थाना में कंप्लेन करके अंदर डलवा दीजिए साले को प्यार से समझा रहे तो मान नहीं रहा है। फोटो नहीं दिखाता बाप को। चलिए हम फोन रख रहे हैं हमको दुकान पे जाना है और हाँ हमको फोटो भी भेज दीजिएगा लड़की का